Mola, Mola re mere Mola, Mola re mere Mola, Mola re mere Mola. Thank you. आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि जितना कबीरा में प्यार दिए हैं उससे कहीं ज्यादा इस गाने से आप मुझे देंगे ऐसा क्यों होता है दिल ये क्यों रोता है जो नहीं तो तेरा फिर क्यों उसकी आंसू है रे कोई मन में हंसता कोई मन ही मन में रोता कोई मन में ही घरों दा बनाए कहीं छल के खुशियों के आंसू कहीं रोए दुख से नैना नैना ये समझ भी ना पाए बाबरा दिल परिंदा दिल परिंदा ढूंढ रे आशियाना ये न जाने कहाँ है इसको जाना ये जो गाना है जितना कबीरा में प्यार दिया आप लोगों ने उससे कहीं ज्यादा आप मुझे इस गाने से प्यार देने वाले हैं क्योंकि पोएट्री बहुत अनमोल है मेरे लिए मैं पोएट्री को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ जो विचार होते हैं पोएट्री में तो वो विचार हमारे आप तक पहुँचने चाहिए ताकि आपके विचार भी मेरे तक पहुँचे तो ये समाज खड़ा होता है ये काम करना बहुत मुश्किल है अगर सोच लें तो बहुत ईजी है मैं आपको कबीरा सुना देता हूँ दो लाइन टूटी चार पाई वही ठंडी पूर्वाई रास्ता देखे दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे रे कभी मान जा रे फकीरा मान जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइया रे कबीरा मान जा रे फकीरा मान जा को पुकारे तेरी पर छाइया कबीरा मान जा रे फकीरा मान जा कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया थैंक यू मनिए साहेब जी जाने हैं सब जी फिर भी बनाए बहाने नैना नबी जी देखे हैं सब जी फिर भी न समझे इशारे नैना ना बाबी जी देखे हैं सब जी फिर भी ना समझे इशारे धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे
जिया को धीरे धीरे भाया रे साहेबो धीरे धीरे बेदाना धीरे धीरे अपना सा धीरे धीरे लागे रे साहेबो साहेबो रूह का बंजारा रे परिंदा रूह का छड़ के दिल का रे घरोंदा रूह का बंजारा परिंदा छड़ के दिल का रे घरोंदा तोड़ के रे घरोंदा तोड़ के दया छोड़ के जिनेड़ा करूं बंद बंद बह जाए बूंद बूंद जिनेड़ा करूं बंद बंद बह जाए बूंद बूंद तड़ पाए रे क्यों सुनाए गीत मल्हार दे हे मलंग तेरा 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 इक तारा They are going to perform for the first time in Mumbai on 11th of June, coming Thursday, at St. Andrew's Auditorium, Bandra. Now I would like to call, we have somebody from SMART, the NGO, which is a big part of this complete concert. I would like to call Karanji. Okay, Karanji, please come. Tochi ji with us, we have Max, Piyush Sharma ji with us. So anybody would like to ask anything? Yeah, Raj. आपके लिए क्या होता है? मेरे लिए चेरी होता है क्रीम, टॉफी और टी उसके साथ पी करके अपने विचारों को फैला देता हूँ. मैं इसको इस रूप में देखता हूँ. और जो आपकी मिठास है, जो आप बोलते हो, उसके बोलने में कितने जुड़ते चले जाते हैं विचारों वाले, तो एक बहुत बड़ी चैरिटी बन जाती है. क्योंकि विचार मिलने चाहिए तब आदमी खड़ा होता है साथ में, और अपने विचारों को जोड़ते हुए जब हम आगे जाते हैं तो चैरिटी कहलाता है. मेरा ऐसा सोचना. Anybody else? बॉलीवुड में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से चैरिटी को सपोर्ट करते हैं, या तो वो करते हैं कि बताते नहीं. तो ऐसे बॉलीवुड सेलेब्स को आप कुछ अपने सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम किसी को क्या दे सकते हैं, हम किसी को क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते. हम अपनी अगर जिम्मेवारी को समझेंगे तो एक समाज खड़ा होता है, और हम सबको मिलकर के समाज के साथ खड़े होके एक नया यूथ को एक नया मैसेज दे सकते हैं. इससे बड़ी बात नहीं हो सकती. इसलिए बैंड ऑफ बंदगी क्यों अलग है, क्योंकि बैंड ऑफ बंदगी के अंदर में सोमूदा है, मेरे बहुत पुराने फ्रेंड है, जब बॉम्बे आया स्ट्रगल करने तब से दोस्ती है, और हमारी ऐसे विचारों को शेयर करते थे, इसलिए समुदाय यहाँ बैठे हैं. विचार कनेक्टिविटी. साइंतन कैलकटा से आया, आते ही मुझे मिला, वो विचार की कनेक्टिविटी मिली. प्रशांत 2005 में शुरू किया मेरे पास गाना, करते करते आज एज ए बैंड ऑफ बंदगी मेरा स्टूडेंट, हम फिल्म कर रहे हैं एज ए बैंड ऑफ बंदगी. नीरो मेरा भाई, इसने 2003 में गाना शुरू किया,
दिस इज द बैंड ऑफ बंदगी कि मैं क्या समाज को दूं. हमारे विचार मिलते गए और ये बैंड बनता चला गया. बैंड का मतलब ये बॉन्ड होना. मैं अपने आप से बॉन्ड हो गया, यानी कि मैं पढ़ लिया और दूसरा आर्टिस्ट ने भी खुद पढ़ लिया, तो हमारी सिंक्रोनाइजेशन होती है, तब एक एम्पायर खड़ा होता है. दिस इज द बैंड ऑफ बंदगी. पॉलिटिशियन भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ऑल इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी है, उनकी एनजीओ है. एंड फ्रॉम द लास्ट 14 ईयर्स हम लोगों ने हमारा किया है, निस्वार्थ होकर काम किया है. तो एज इट इज हमें बहुत ही अच्छे व्यक्ति मिले. हम तो सोल कहेंगे इन्हें कि इनकी आत्मा इतनी पवित्र है कि इनके साथ काम करने का मन ऐसे ही हो जाता है. तो जब मुझे मिले रश्मि जी के थ्रू, इनके कॉन्सेप्ट समझा मैंने, इन्होंने जो रूह कांपदी सॉन्ग एंड द होल बैंड ऑफ बंदगी. Now I will request Piyush ji to give the bouquet to Karan ji. Karan ji, can you please move ahead a little bit? बंदगी है कोची जी, बंदगी है. They are the ones who are responsible for bringing it together, the entire thing.